जो हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है उनके परिजनों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशासन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है और उन्हें जो भी कन्फ्यूज़न है इस संदर्भ में उनको अवगत कराया गया है कि सीनियर अधिकारियों के और मेडिकल प्रशासन के नंबर उनके मौजूद लोगों को और उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात कन्फ्यूजन्स को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकतावश मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है भेज करके और उनकी मेडिकल प्रशासन से वार्ता करा दी जाएगी और वार्ता करा करके और उनको संतुष्ट किया जाएगा। देखिए ये मिसक्रियंट्स हैं, सब तरह के लोग मिसक्रियंट्स हैं। रेगुलर बेस पे प्रशासन की तरफ से मेडिकल प्रशासन की तरफ से मेडिकल अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी सभी मेडिकल प्रशासन के लोग सब और जिस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं जनप्रतिनिधि हैं लगातार बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट ले रहे हैं और जनता को भी अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं ऐसा कन्फ्यूज़न किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो हमने पूरे हमारे नंबर उपलब्ध कराए कि हमारे नंबर से वो वस्तुस्थिति जान सकते हैं। किसी भी मैं पुनः वापस कह रहा हूँ कि कोई भी अफवाह के ऊपर कभी कहते ही ध्यान ना दें। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा तो निश्चित रूप से जो मेडिकल प्रशासन है या जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं वही जानकारी देंगे, वही लोग अधिकृत हैं। कोई ना तो किसी ने ये बात बताई कि साहब उन्हें किसने इस बारे में कोई अपडेट दिया, ऐसी कोई ऑफिशियल या मतलब कोई नामजद कोई आदमी नहीं है किसने किस तरह की बात बताई, किसी ने भी कोई नाम नहीं। सर एक आरोप है कि मिलने दिया नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। रेगुलर बेस पे वो वहाँ मिल सकते हैं और इस संदर्भ में इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए उनको उपलब्ध करा दिए गए नंबर उनके जनप्रतिनिधि हैं प्रशासन के लोग हैं उसके अलावा मेडिकल प्रशासन के लोग हैं चाहे जिससे जब चाहे बात कर सकते हैं।